आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो दैट इज़ फ्रॉम मीशो एंड इट इज़ ऑन बैग्स कलेक्शन. आई हैव यू नो फाउंड एंड बॉट सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्यूट एंड स्टाइलिश बैग्स एंड ऑल द बैग्स आर जस्ट अंडर 300. हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मनीषिका. मैंने बहुत ही खोज के ये सारे जो इंटरेस्टिंग बैग है मैं आपको दिखाऊंगी. देर आर ऑल टोटल 12 बैग्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बैग विच इज दिस वन एंड इट कॉस्टेड मी 111. ये है एक शोल्डर बैग जो बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत जगह पर मैं ये देख रही थी कि people were carrying these kind of leather finished shoulder bag जो एकदम shiny भी है and it was so cute, so I bought this in black color. यहाँ पर green color का भी option था तो मैंने वो bottle green भी खरीदा. मैंने दोनों ही color खरीद रहा है, सिर्फ white ही बाकी था तो सोचा कि नहीं छोड़ देते हैं because I have bought other bags in white, so white वाले छोड़ देते हैं. तो मैंने black में एक लिया और एक लिया है, this is an olive green. भी ज़्यादा अच्छा लगा, you know, एकदम shoulder bag की तरह जैसा है. एंड मुझे लगा थोड़ा सा लेंथ में लंबा है बिकॉज वट आई हैव सीन इन रियल शोल्डर बैग जो पिंट्रेस एंड जगह पे मैंने देखा है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है एंड थोड़ा सा हार्डी होता है. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा लॉन्ग है एंड अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. मेरे को तो देख के नहीं लग रहा था पिक्चर की इतना ज़्यादा स्पेशियस होगा. मुझे लग रहा था बहुत ही छोटा सा बैग होगा बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये मैं अपना कैजुअल एवरीडे बेसिस में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ. मूविंग ऑन टू द थर्ड बैग विच इज़ दिस वन विच इज़ रेड चेरी रेड कलर बैग विच कॉस्टेड मी 273 एंड करेंटली ये वाला अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बट आई विल यू नो फाइंड आउट समथिंग सिमिलर लाइक दिस एंड गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक्स फॉर ऑल द बैग. द बैग विच आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कलर इज सच अ, यहाँ पे तो लिखा है चेरी रेड और समथिंग बट इफ यू सी ये थोड़ा सा यू नो पिंकिश शेड में है. इट्स नॉट लाइक फुल्ली रेड रेड. यहाँ पे दे हैव दिस स्लिंग ऑल्सो and you can open like this and under the I don't like the design inside. ये जो कपड़े use किए हैं जो material है बहुत ही low quality वाला material है but if you see from outside it is very very much stylish and थोड़ा सा stylish bag अगर आपको चाहिए तो इतना cheap price में तो ये I think it's काफ़ी. ऐसा नहीं है कि छोटा सा बैग है, बहुत ही स्पेशियस है, अंदर बहुत ज़्यादा जगह है. इसका जो हैंड बैग है ये थोड़ा सा मेरे को उतना भी ज़्यादा खास नहीं लगा बट आई थिंक इट कैन वर्क फॉर दिस प्राइस एंड मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर बैग विच इज़ दिस वन. दिस इज़ अ ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर बैग, स्लिंग बैग एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था 274 एंड मेरे पास ना ऐसा कुछ चॉकलेट ब्राउन कुछ नहीं था, कभी भी नहीं था एंड दिस कलर इज़ सो यूनिक. दिस इज़ द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस कलर इज सच अ यूनिक कलर, बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा. इसका जो डिज़ाइन है इट इज़ लाइक द प्रीवियस वन ओनली ऐसा करके बट इसका चेन थोड़ा सा डिफरेंट है. आई मीन यू ओपन लाइक दिस एंड अंदर दे हैव दिस चेन जो आप इस तरीके से बाहर करके इस तरीके से आप शोल्डर बैग की तरह ये पहन सकते हो. कैरी लाइक दिस एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग द चेन आउटसाइड, इस तरीके से भी इसको कैरी कर सकते हो. मतलब इसका जो डिज़ाइन है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत वैरायटीज में यू कैन स्टाइल दिस बैग, यू कैन कैरी दिस बैग. इसका अंदर भी अगेन द मटेरियल दे हैव यूज इज़ नॉट मच of a good quality but I would say it's very much recommended because इतना कम प्राइस में इतना अच्छा बैग मिल रहा है और क्या चाहिए. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा स्पेस है. मेरे को तो ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये डिफरेंट तरीके से भी मैं पहन सकती हूँ. इसको मैंने एक बार स्टाइल भी कर चुकी हूँ. आई थिंक आई लव दिस होल लुक. द कलर द चॉकलेट ब्राउन कलर इज अ सच अ यूनिक कलर, ऐसा कलर मैंने कभी भी कहीं पर ज़्यादा नहीं देखा है. नेक्स्ट अप इज दिस वाइट कलर बैग विच कॉस्टेड मी 270 एंड यहाँ पे एक और भी ऑप्शन था ब्लैक में. तो दिस इज द बैग दैट आई गॉट. आई मीन ऊपर से तो देख के बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है. यू कैन होल्ड दिस बैग लाइक दिस, तो ये एडजस्टेबल है. क्रॉस बॉडी बैग की तरह पहन सकते हो, स्लिंग बैग की तरह पहन सकते हो और इसको पूरा तरीके से खोल के सिर्फ हैंड बैग ऐसा करके भी आप ये यूज कर सकते हो. तो इट्स अ ग्रेट वन, इट्स अ वर्सेटाइल वन टू यूज. बट there is one problem that I noticed when I got the bag. I was checking and मुझे यहाँ पे कहीं कहीं दाग मिला.
यहाँ पे एंड यू नो व्हाइट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड मेंटेन, एंड व्हाइट में अगर थोड़ा सा भी दाग आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा नोटिस होता है. तो मैंने ये देखा, सो आई एम नॉट श्योर शुड आई कीप दिस और रिटर्न दिस. आई थिंक आई विल रिटर्न दिस. इवन इफ आई कीप दिस देन आई हैव टू वॉश इट वेरी 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 केयरफुली. इतना कम प्राइस में ये इतना सुंदर एक स्टाइलिश बैग मिल रहा, पिनट्रेस्ट लुक वाला, तो काफ़ी ही अमेजिंग है. बट समटाइम्स हो जाता है कि बिकॉज द प्राइजेस आर सो लो कि क्वालिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स में थोड़ा सा ये लोग कम कर देते हैं. बट हैविंग सेड दैट, इतना कम प्राइस में आपको इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है, सो आई थिंक इट्स अ recommended one to buy. Next up is another white bag, which is a crossbody sling bag. पता है इसका price मुझे कितना पड़ा था? It is just 83. जी हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 83 में ये मेरे को मिला था. यहाँ पे चेन है एंड इस तरीके से स्लिंग है. यू कैन एडजस्ट दिस ऑफ कोर्स एंड ये क्रॉस बॉडी करके आप पहन सकते हो. दिस इज अ टोटल क्रॉस बॉडी बैग एंड अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा स्पेस है. बट आई वुड से कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट एंड फ्रजाइल है, बिकॉज ये जो पोर्शन आप देख रहे हो चेन, ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट एंड फ्रजाइल है. एनीथिंग यू कांट कैरी मच इन दिस एंड हैवी आइटम्स एंड स्टफ्ड इट ताकि ये भारी हो जाए एंड कैरिंग इट फॉर द होल डे, यू कांट डू दैट. मेरे को तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ये द वाइट कलर इज सो गुड एंड जो मैंने पहले वाला वाइट दिखा है उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है. यहाँ पे कोई दाग वाग ऐसा क्वालिटी में भी कुछ नहीं है. इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रॉम द प्रीवियस वाइट बैग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैग, विच इज दिस पिंक बैग, विच कॉस्टेड मी 260. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरे पास पिंक कलर का कुछ नहीं था, सो आई वॉज रियली सर्चिंग पिंक बैग. यहाँ पे LV का तो है स्टिकर लगा ना, बट ये LV नहीं है, ये मीशो है. ये लाइक द डिजाइन, इसको आप इस तरीके से खोल सकते हो एंड दे हैव टू चेन्स, नॉट वन, टू चेन्स है यहाँ पे. एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस. बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. यू गोइंग फॉर अ ट्रिप और समवेयर एंड ऑल, यू कैन कैरी दिस बैग. बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत कुछ अड़ेगा. एंड पीछे भी दे हैव दिस चेन ऑलमोस्ट, सो इन टोटल आई थिंक तीन चेन है इसमें. शोल्डर बैग यहाँ पे उतना एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ शोल्डर बैग की तरह ही आप पहन सकते हो, नॉट लाइक अ क्रॉस बॉडी बैग. बट इट इज सच अ ग्रेट थिंग एवरीडे यूज के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग, इस तरीके से बैग तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा है व्हेन दे गेट रेडी एंड ऑल. इवन द फैशन इन्फ्लुएंसर्स आल्सो, आई हैव सीन सो मेनी पीपल स्टाइलिंग दीज काइंड ऑफ बैग विद देयर आउटफिट. दिस वायरल बैग मेरे को मिला मीशो में अंडर जस्ट 300. इट कॉस्टेड मी 217 ओनली. आने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कितना ज्यादा प्यारा, कितना ज्यादा छोटा सा बैग है. एंड यहाँ पे ऐसे चेन भी है, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन क्रॉस बॉडी एंड वेयर, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन यू नो कीप द चेन इन साइड एंड कैरी लाइक दिस ऑल्सो. ज्यादा स्पेशियस तो नहीं है ऑब्वियसली, ये उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है. शायद आपका लिपस्टिक एंड थोड़ा बहुत मेकअप का एक दो चीज़ ही आएगा, बट I would say this is such a fashionable one, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर ये एक ट्रेंडी बैग देखा है. एंड finally I got my hand on this perfect trendy bag. And इसको मैं कितनी तरीके से कितना आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. सो इट्स नॉट लाइक अ डेली बेस यूजेज ऑफ कोर्स. अ स्टाइलिश बैग दैट आई गॉट एंड आई थिंक आई लव्ड इट. कितना छोटा में इतना सा प्यारा सा बैग, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद. नेक्स्ट अप इज अ स्लिंग बैग, विच इज दिस वन. ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से बैग यूज करते हुए देखा है. इट कॉस्टेड मी 278. इट्स लाइक अ बॉक्स, आई मीन literally box, totally sling bag, adjustable, you can wear. एंड ये ओपन कुछ इस तरीके से होता है. अंदर ज़्यादा तो स्पेस नहीं है, बट हाँ जो छोटा वाला बैग दिखा है उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. यू आर नॉट यूजिंग द क्रॉस बॉडी, यू कैन ओपन दिस एंड रिमूव इट, यू कैन डू दैट. एंड ये आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, हाथ में लेके यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो. ये ग्रे वाला तो अभी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों, बट ब्लैक में अवेलेबल है और एक डिफरेंट रेनबो कलर में अवेलेबल है. आई विल गिव बोथ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. Next up is this grey bag which cost me 199. I am talking about this one. I mean look at this. इसका एक और कलर ऑप्शन था विच इज़ इन ग्रीन, आई मीन ऑलिव ग्रीन कलर, बट मेरे को तो ये ग्रे वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ग्रे कलर का मेरे पास कुछ था भी नहीं. इसका जो हैंड बैग का डिज़ाइन है, इसका यहाँ पे बॉडी में जो डिज़ाइन है, इट इज़ सच अ यूनिक वन. आई मीन
मेरे को तो ये काफी ज्यादा पसंद आया एंड अंदर भी स्पेस है, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं है, अंदर बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत कुछ फिट आ सकता है इसके अंदर। मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा एंड द होल लुक इज सच अ ग्रेट वन, इट इज गिविंग मी सच अ शीक काइंड ऑफ लुक, आई कैन लिटरली स्टाइल दिस विद एनीथिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग विच इज दिस ब्लैक बैग विच कॉस्टेड मी 191 एंड यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, दिस ब्लैक था, रेड है, व्हाइट है एंड नेवी ब्लू में भी था। This is the one that I got and you can see how chic and stylish this looks. This is a very comfortable one and अंदर बहुत ज़्यादा spacious है, I would say कि बहुत ही ज़्यादा spacious है and they also have these chains. So if you want you can wear, you can carry it like this. If you want to carry as a crossbody or like a थोड़ा सा लॉन्ग शोल्डर में देन यू कैन यूज दिस। ये भी ऑल्सो एवरीडे बेसिस वाला ही बैग है, हर चीज में मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ एंड दिस गोल्डन चेन इज सच अ शीक वन, अगर मैं किसी के साथ स्टाइल करूँ ये पूरा एक शीक लुक देगा, सो आई रियली रियली लव। वी हैव कम टू द लास्ट बैग ऑफ दिस वीडियो एंड दिस बैग हैज माई हार्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग दैट आई हैव फाउंड इन मीशो, वन ऑफ द वेरी क्यूट एंड स्वीट थिंग दैट आई हैव फाउंड इन मीशो एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज विल ऑल्सो फॉल इन लव आफ्टर सेइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज दिस बनी बैग विच कॉस्टेड मी जस्ट 243 एंड जस्ट लुक एट द पिक्चर, आई मीन पिक्चर देख के इतना क्यूट लगे तो आप सोच सकते हो कि सामने से कितना क्यूट लगेगा, हाँ नहीं सोच सकते हो ना, दिखाती हूँ मैं अभी। सी कितना ज्यादा क्यूट है, आई मीन कौन कहेगा ये बैग है, ये तो देख के लग रहा है सॉफ्ट टॉय है एंड आई एम सो मच लाइक आई लव सॉफ्ट टॉयज एंड ये कितना ज्यादा, आई मीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला फर यूज़ किया है, इट्स नॉट लाइक कोई भी मतलब वैसा काइंड ऑफ लो क्वालिटी फर एंड इट इज़ सच अ सॉफ्ट एंड क्यूटी वन। पर यहाँ पे चेन है, यू कैन पुट थिंग्स हियर, चेन जो आप इस तरीके से शोल्डर में भी पहन सकते हो और नीचे यहाँ पे भी दे हैव द स्ट्रिंग, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वेयर इट एज अ बैक पैक ऑल्सो। बैक छोड़ो, मैं तो ये कभी भी बैक की तरह यूज ही नहीं कर पाऊंगी, इतना क्यूट है, मैं तो इस तरीके से इसको सिर्फ सॉफ्ट टॉय की तरह ही यूज कर सकती हूँ, बट आई लव्ड इट। लेट मी नो विल यू ऑल्सो बाई दिस क्यूटी बैग और सॉफ्ट टॉय और नॉट, बिकॉज इफ यू आर समबडी हु इज इन टू सॉफ्ट टॉय देन आई थिंक यू विल बी ऑब्सेस्ड विथ हिम। दैट्स इट गाइस, एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन डू यू लाइक, विच बैग इज योर मोस्ट फेवरेट, आई थिंक दिस वन हैज स्टोलन योर हार्ट एंड सारे बैग का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फैशनेबल।